सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। तो देखिए सोप एंड डिटर्जेंट में बस हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो सोप मॉलिक्यूल्स होता है उसमें दो पार्ट होता है। पहला आपका पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, सॉरी पहला आपका होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये वाला हमारा क्या होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और ये बड़ा वाला हमारा क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है बताइए हाइड्रोफोबिक? तो जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि किसी को इसको हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है वाटर के से डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है बेसिकली हमारा क्या होता है वाटर से रिपेल्ट होता है, मतलब वाटर इसमें अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। और जो हमारा हाइड्रोफिलिक है उस वह बेसिकली क्या होता है वाटर को अट्रैक्ट होता है, यानी वाटर के साथ लिंक होता है, ठीक है, या वाटर के साथ हमारा लिंक होगा। तो देखिए होता क्या है कि देखिए जब भी हम कभी हमारा मान लीजिए डर्ट पार्टिकल है तो जब हम इसमें सोप मिलाते हैं तो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है इसके साथ आके क्या हो जाता है इसके साथ लिंक हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो हाइड्रोफिलिक बेसिकली पार्ट होता है यह बेसिकली किसका बना होता है सोडियम का बना होता है, ठीक है। तो ये सब हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन केवल आपको ध्यान रखना है किसका बना होता है सोडियम का बना होता है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑयल है इसके साथ एक तो जुड़ गया, फिर इसी तरीके से और आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट जुड़ रहा है बताइए? हाइड्रोफोबिक पार्ट जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑयल जो होता है ऑयल के साथ अधिक पानी कभी चिपकता नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा क्या बन जाता है, इसी तरीके से हमारा बहुत सारा मिसेल बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे जब लिंक हो जाते हैं तो हम कह देते हैं वहाँ पर मिसेल फार्मेशन हो जाता है। तो यही होता है बेसिकली मिसेल फार्मेशन। मिसेल फार्मेशन मतलब कि ढेर सारे जब आपके हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट आके किसी भी चीज़ से जुड़ जाएंगे तो यही हमारा मिसेल फार्मेशन हो जाएगा। जब मान लीजिए मिसेल फार्मेशन हो गया तो मान लीजिए इसको ही हमें चैम्बर में मिसेल मार लीजिए मारे सा फार्मेशन हो गया है। तो जब हम क्या करते हैं जब पानी को ऐसे बाहर निकालेंगे तो ये तो हमारा पानी के साथ लिंक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक है वाटर के साथ लिंक है। तो यह जब बाहर ऐसे गिरेगा तो हमारा ये वाटर या डर्ट पार्टिकल सॉरी डर्ट पार्टिकल को या ऑयल पार्टिकल को भी अपने साथ बाहर निकाल आएगा। तो हमारा ऐसे काम हो जाता है और हमारा जो शर्ट होता है साफ हो जाता है। बस यही हमारा बेसिक क्राइटेरिया था कि जब भी हमारा सुपर डिटर्जेंट में दो पार्ट होता है, पहला हाइड्रोफिलिक होता है दूसरा हमारा हाइड्रोफोबिक होता है। जो हमारा हाइड्रोफोबिक है तो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोफिलिक वाला वाटर के साथ लिंक होता है। तो जब हमारा हम डिटर्जेंट डालते हैं किसी चैम्बर में अपने कपड़ा में तो यह हमें सबसे पहले क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जाके वाटर के साथ जुड़ जाएगा और हमारा जो ये हाइड्रोफोबिक है वो ऑयल के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन बहुत अमाउंट में जुड़ते हैं। तो यही जब हम पानी धोते हैं तो यही हमारा बाहर आ जाता है। तो कुल मिला जुला कर यही हमारा क्या किसकी प्रॉपर्टी थी सोप एंड डिटर्जेंट कैसे काम करता है ये भी देख लिया। तो हम देखिए यूज़ कहाँ करते हैं। पहला तो हम लोग सोप और डिटर्जेंट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारा सोप इस बात का हमें ध्यान रखना है सोप हमारा केवल सॉफ्ट वाटर में यूज होता है, मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वाटर उसमें यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिटर्जेंट है, ठीक है, जो डिटर्जेंट बेसिकली किस लिए आया कि यह आपका हार्ड वाटर, हार्ड वाटर मतलब जो बहुत मान लीजिए साल्टी वाटर है उसमें भी यूज हो जाता है। हार्ड वाटर किसमें यूज होगा? हाँ हार्ड वाटर सॉरी डिटर्जेंट हार्ड वाटर है सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग किस लॉन्ड्री पर्पज़ में यूज़ करते हैं डिटर्जेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो बस यही बेसिकली था आपका सोप एंड डिटर्जेंट। अब कोई पूछ दे सोप एंड डिटर्जेंट में क्या अंतर है तो कह देंगे सोप हमारा क्या सॉफ्ट वाटर में यूज होगा लेकिन हमारा डिटर्जेंट हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज होगा। तो कुल मिला जुला कर आप लोगों के यही चैप्टर था। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चीज़ आपको दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए धन्यवाद।